ओरस आया ते ओरस पिया ते एरस नहीं पाया। जेड़े नाम का रस पी लेंगे इना स्वाद से मैं अज पता पर सानू मिलेगा सानू स्वाद क्यों नहीं आता क्योंकि साड़ा भजन नेम सेवा बाणी सब एक जरूरत बन चुकी है सिर्फ एक सौदा बन चुका है। सचे पाशा मैं तेरा चलिया रखांगा मेरा एक हम मैं तेरा पाठ रखवावांगा मेरा एक हम माड़ी गल नहीं चलिया रखना पाठ रखवाना असी मन दिया सतगुरु पूरी कर दे गल इत मुक जाती है पर महारस नहीं आ पा क्योंकि सेवा कीती बाणी पढ़ी नेम कीता पर कादे लई अपनिया स्वार्थ जरूरत ये महारस का स्वाद जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी करदे हन कि तैनू कदों आएगा सब तो पहले भक्ति निष्काम होनी चाहिए मन च कोई कामना नहीं होनी चाहिए कोई इच्छा ना हो सिर्फ प्यार ही प्यार सतगुरां नाल हो तू नितनेम ते बैठे ते तेरी अखां विचों जल आवे अखां सतगुरां दे प्यार विच रोण। एक गुरसिख नूं पुछिया बई तू नाम जपना है कदी स्वाद आया कहना मैं कदी ध्यान ही नहीं दिता मैं ते माला दिती एक घंटा वेख्या नाम जपया तो मेरा नितनेम पूरा बहुत चंगी गल है। संत माता जी ने उन्होंने मुबारक दिखा सन गुरपुरब से जिन्हों का नितनेम बने जिन्हों के नहीं बने एक पिता ने पुत्र नो कुछ लेता बेटा गुरपुरब से गया मैं जे तेन इन्नी दूर किराए खर्च करके सारे काम कार छड़ के तीन दिन उठे लैके गया तू की लैके आए गुरपुरब बच्चा कहन लगा पिता जी संत माता जी ने कहा सी अपना नितनेम बनाओ ते मैं अद्धा घंटा नितनेम वो बच्चा हॉस्टल च पढ़ता है कहते पिता जी मैं अद्धा घंटा नितनेम शुरू कर दिया। संत माता जी कहते जे एक भी इस पासे लग गया तो साडा गुरपुरब करना सफल सब तो पहले जे असी चाहते हाँ सानू इस नाम का स्वाद आवे तो साढ़े मन विच नाम जपन दे बाणी पाने वेले कोई कामना नहीं होनी चाहिए निष्काम भक्ति सिर्फ प्यार ही प्यार सतगुरां देना जे मन विच गल आ गई तो फिर चिथे अटक जावांगे घोड़िया के। सचे पातशाह जी ने पाठ सुनिया गुरसिख शुद्ध पाठ करता रहा पर मन कितने चला गया सचे पातशाह जी मेरे से प्रसन्न हुए कुछ क्या मैं कहांगा कि काबली घोड़े मैनू दे ते सचे पातशाह की देना चाहते सन वो कहते गुरसिख मैं ते अपना आप तेरे ते वारण लगा सा जिस गड्डी ते मैं बैठा मैं ते तेन देन लगा पर साढ़े मन सी उस गुरसिख के मन पाठ कर रहे है बहुत सोहना पाठ कर रहे पर मन के जे सतगुरां ने कहा ना कुछ मंगण वास्ते ते घोड़े घोड़े ते मिल गए पर उस चीज तो वांझा रह गए। साड़ी भी अवस्था ऐसी हुई चलिए करने नाम जपना पाठ करना पर जेड़े सतगुरों के प्यार विच पाठ कर रहे हैं सहज पाठ गुरु उपदेश जिन्हों के मन च कोई कामना नहीं सिर्फ एक ही कि मेरे सतगुरों का गुरपुरब आ रहे
एक गुलदस्ता में खाई क्यों ना सतगुरु फिर चोलियां होना दी पड़े एक चित होके जेड़े नाम जपदे ना अमृत ले फिर उना दी जबान ते ओ अमृत रस आंदा है। ये गुरु नानक सचे पातशाह जी दा वचन मर्दाना जदों नाल गया सी ना सचे पातशाह एक की सोमे वग रहे ये चरने कह लगे मर्दानिया ये महारस नाम रस है अमृत रस सचे पातशाह कि एवी जाया जा रहे कह लगे नहीं मर्दानिया जेड़े अमृत वेले उठ के नाम जपदे ना ये रस ये स्वाद अमृत रस उन्हां दी जुबान ते आप ही कुदरती पहुंच गए पर अजी तक सानो ये महारस का स्वाद आया नहीं क्योंकि सचे पातशाह जी कहना एहो रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए ए रस भी उन्होंने ही मिलता है जिन्हों के वड़े पाग करम जे असी चाहते हो ना सानू ही स्वाद आवे ते सानू फिर संत माता जी की संगत करनी उन्होंने तो स्वाद आंदा है नाम विचों भी बाणी विचों भी उनके नाम जपदे ना थकते हैं ना उन्होंने आसरे की चाहिए असी नाम जपने कभी साडा गोड़ा दुखदा है सानू कमर दीवार चाहिए सचे पातशाह जी कहते सन गुरसिखो तकड़े होके बैठे करो दीवार आप ही सुनती है जेड़ा ना बैठता वह भी सो जाए जे असी चाहे सानू महारस आवे तो सानू निष्काम भगती हो सौदा नहीं चाहिए नाल फिर त्याग अगली तुका साहब जी कहते विखे बन पीता विखे कहते ये विषय विकार ये भोग विलास जिन्होंने संसार लगे ये सब फिके हन त्याग नहीं सकिए ये मेरी सखी है मेरी जीव आत्मा ये किसी नो गुरबाणी सचे पातशाह जी ने ये नहीं किया पियो ऑर्डर नहीं किया अपने मन नो कह रहे महारस पियो ये मेरे मन तो उस महारस नाम रस नो पी जिन्नी कमी नाही गुण से कमड़े विसार इस नो त्याग दे त्याग ना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्याग ये त्याग सानू करना पड़े संत माता जी ने होने दस्या ना पर अन्न तो बचो माड़ी संगत तो बचो अपने सतगुरां ते दाग ना लाओ क्योंकि इना इस नाम दे नाल इस महारस दे नाल इना रहणियां दा गहरा संबंध जे सानू नाम जपदिया स्वाद नहीं आ रहा ते समझ लेना कमी ना किते साडे जी असी लकीर तो बाहर हां जेड़ी सतगुरां ने सानू दस्या है ये सानू त्यागना ही पएगा ते सचे पातशाह जी कहिंदे ने विखै बन पीता त्याग री सकीए नाम महारस की ये रस कितों बारो नहीं आना ये कुदरती साहब जी कहने घर ही में अमृत भरपूर गुरु अमरदास सचे पातशाह जी कहने तेरे हिरदे विच ही अमृत भरिया है पर जेड़े गुरमुख होंगे उन्होंने स्वाद आ जाने मन मुखा साध ना आ पाए ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरम का भरम बुलाया गुरु अमरदास सचे पातशाह जी कहते हैं मृग की नाभि च कस्तूरी होती है सारी उम्र भटकता रहता है खुशबू कितों आ रही